Hello everyone, you are welcome to Best Notes tutorial, and in this video we will be doing the another work by Raja Rao, and the name of the work is The Serpent and the Rope, jaisa ki aap logon ne comment box mein request ki thi. और इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं विक्रम सेठ के तीन वर्क हम लोग कर चुके हैं. विक्रम सेठ अगर आप लोगों ने नहीं किया है अभी तक या स्टडी नहीं किया है तो आप लोग उसके तीन वर्क इस राइटर के इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं तीन वर्क जो हम लोगों ने इससे पहले किए हैं चैनल पर, आप लोग चेक कर सकते हैं. मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा. द गोल्डन गेट हम लोगों ने कर लिया है, एन इक्वल म्यूजिक एंड अ सुटेबल बॉय. सो होपफुली ये तीन वर्क आप लोगों ने कर लिए हो. तो अब हमारा जो नया राइटर हमने अभी स्टार्ट किया है वो है आपका राजा राव. ये आप लोगों ने ही कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दिया था कि राजा राव को हम कंप्लीट करें, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. तो चलिए उनका पहला वर्क जो है द सर्पेंट एंड द रोप, ये उनका एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है. ओके, सो द सर्पेंट एंड द रोप इज एन ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल नॉवल बाय राजा राव, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1960. तो दो चीज़ें आप लोगों को पता चल गई कि एक तो ये है ऑटोबायोग्राफिकल. तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑटोबायोग्राफिकल कौन कौन से उनके वर्क हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि द सर्पेंट एंड द रोप क्या है, आप लोगों का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है. दूसरी चीज़ ये है कि 1960 में ये क्या हुआ था, आपका पब्लिश हुआ था. एंड द रेसिपिएंट ऑफ द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1964, और 1964 चार साल बाद उनको क्या मिला था, इसमें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था. तो कई सारे क्वेश्चन आपके इसी लाइन में आप लोगों को बन जाएंगे. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को कैरेक्टर बताता हूँ, इसमें समरी आप लोगों को याद करवाता हूँ, और साथ ही साथ जो इवेंट है और आने वाले जो क्वेश्चन है उनको आप लोगों को बताता हूँ. तो साथ साथ आप लोग नोट करते हुए चलिए और अपने नोट्स भी बनाते चलिए. तो ये है आपका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क पहली चीज़. दूसरा है कि ये पब्लिश हुआ था आपका 1960 में और साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1964 में. द बुक एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ रियलिटी एग्जिस्टेंस एंड सेल्फ रियलाइजेशन. सो ये आपका यूजीसी नेट पर्पज से अगर मैं बात करूँ तो यूजीसी नेट पर्पज से आप लोगों को इसे ज़रूर याद कर लेना है. इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे. Throughout the novel, protagonist Ramaswamy's thought process develops in line with Vedantic philosophy. और जो रामास्वामी इसके क्या हैं, protagonist हैं. तो ये आप लोगों का next question हो गया कि the serpent and the rope, who is the protagonist of the serpent and the rope? So answer will be Ramaswamy. इसमें Vedantic philosophy को क्या करते हैं, वो develop होती है उनकी. Every incident or conversation that takes place in the life of the narrator is presented in the context of furthering or hindering his progress on his quest for truth and knowledge. Or to apna ek quest pe hain, apni ek khoj pe hain, kiski khoj pe hain, truth and knowledge ki khoj pe hain. Kaun? Ramaswamy. Bar bar repeat karunga naam ko isliye ki aap logon ko dhang se yaad ho jaye. The way the narrative is presented is as timeless as India itself, with the familiar blend of fact and fable. The novel tells the story of Rama and particularly his marriage while reflecting on the flavor and tradition of India. तो यहाँ पे जो है पूरी स्टोरी आप लोगों को देखने को मिलेगी कि जो स्टोरी है पूरी स्टोरी आपकी रामा स्वामी जो है, अब उसको हम शॉर्ट में रामा पढ़ेंगे या यहाँ पे रामा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उनकी मैरिज के ऑल अराउंड ये पूरी स्टोरी घूमती है. The novel also ruminates on themes of East meets West. तो एक नई थीम आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी, वो क्या थीम है, वो है ईस्ट मीट्स वेस्ट, कि ईस्ट और वेस्ट के जो आपके ट्रेडिशन है वो किस तरह से मिलते हैं और किस तरह से ईस्ट में चीज़ें हमें देखने को मिलती है. जैसे यहाँ पे ट्रेडिशन ऑफ इंडिया की बात आप लोग देख चुके हैं कि ट्रेडिशन ऑफ इंडिया देखने को आपको मिलेगा. तो ये सारी थीम्स बेस्ड आपके क्वेश्चन बनते हैं. As Rama leaves his native India and moves to Europe, वो यूरोप चले जाते हैं, फ्रांस में चले जाते हैं. Rama is described as kind young man who is somewhat frail because of his tuberculosis lungs. तो उसे tuberculosis है, टीबी उनको है, problem है. तो ये भी कई बार question पूछा जाता है कि जो protagonist है रामास्वामी, उनको कौन सी problem है, तो उनका क्या है, tuberculosis lungs है, उन्हें टीबी की problem है. Living and studying in France and has married a French woman, Madeleine.
तो उन वो मैंने आपको अभी बताया था कि वो यूरोप में कौन सी कंट्री में गए हैं, फ्रांस में। फ्रांस में उन्हें एक फ्रेंच वुमेन है मेडलिन, उससे प्यार हो जाता है और उससे शादी कर लेते हैं। रामा प्लान्स टू फिनिश हिज थीसिस ऑन एल्बिजेनिशियन हेयर से। सो ये एल्बिजेनिशियन जो है वो एक हम कहें कि स्टोरी टाइप है या वहाँ के कहानी टाइप है। ओके तो इस पर वो क्या कर रहे हैं, अपने एक थीसिस लिख रहे थे एंड देन टू मूव बैक टू इंडिया ब्रिंगिंग मैडलिन विद हिम। वो क्या करता है, प्लान करते हैं कि वो ये अपनी जो थीसिस है उसे फिनिश करेंगे और फिर क्या कर लेंगे, वापस मैडलिन के साथ में इंडिया आ जाएंगे। अर्ली ऑन द नॉवल ऑन इन द नॉवल फ्रॉम द मोमेंट रामा फर्स्ट रेफरेंसेस हिज वाइफ द रीडर गेट्स अ सेंस दैट समवट समथिंग इज नॉट राइट इन देयर मैरिज। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जब नॉवल में शुरुआत अगर आप डिटेल में पढ़ें तो वहाँ पे रामा जो रामा स्वामी है उसका मेडलिन के साथ में जो उसकी वाइफ है उसके साथ शादी में कुछ गड़बड़ चल रही है, मीन्स दे आर नॉट हैप्पी विद दैट मैरिज। मेडलिन एंड रामा हैव अ सन टुगेदर, दोनों का एक बेटा भी है। दे बोथ हैव अ सन टुगेदर, दे आर फर्स्ट चाइल्ड, बट ही डाइज वैन ही इज ओनली 7 मंथ ओल्ड। वो सिर्फ 7 महीने का होता है, उसकी डेथ हो जाती है। आफ्टर दिस ट्रेजिडी रामा मस्ट रिटर्न टू इंडिया बिकॉज हिज फादर इज डाइंग एज वेल। अब ये जो ट्रेजिडी उसके साथ में होती है उसके बाद उसे इंडिया आना होता है और इंडिया में उसके फादर भी क्या हो रहते हैं, वो भी एक्सपायर हो जाते हैं। रामा स्टेज इन इंडिया टू प्रिजाइड ओवर हिज फादर्स क्रिमेशन इन बनारस एंड अकम्पनीज हिज स्टेप मदर हुम ही रेफर्स एज लिटिल मदर। तो यहाँ पे लिटिल मदर जो है उसकी स्टेप मदर है और वो वहाँ पर अपने फादर के क्रिमेशन के लिए आता है। कहाँ पर जाते हैं, बनारस में, ऑन पिलग्रिमेज ऑफ द सिटीज हॉली प्लेसेस। आफ्टर विच ही मस्ट रिटर्न होम टू हिज वाइफ इन फ्रांस। उसके बाद उसे कहाँ जाना है, फ्रांस वापस जाना है अपनी वाइफ के पास। फॉर रामा दिस ट्रिप इंटेंसिफाइज हिज लॉन्गिंग टू बेटर अंडरस्टैंडिंग हिमसेल्फ मेकिंग हिम क्यूटली अवेयर ऑफ नेगिंग फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस इनसाइड हिम। यहाँ पे जो रामा है वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे उसे अपना इनकम्प्लीटनेस जो है उसकी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। ड्यूरिंग दिस ट्रिप होम रामा ऑल्सो मीट सावित्री। अब यहाँ पे क्या है कि वो एक लड़की है सावित्री, उससे रामा क्या करता है, रामा स्वामी उससे मिलते हैं, सावित्री से। अ कैम्ब्रिज स्टूडेंट एंगेज टू वन ऑफ हिज फ्रेंड दो शी कन्फेसेस टू रामा दैट शी इज नॉट लव विद हिम विद द मैन। अब कैम्ब्रिज की जो एक स्टूडेंट है सावित्री, वो अपने फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है बट वो रामा स्वामी को बताती है कि वो उससे प्यार नहीं करती है, शी इज जस्ट इन रिलेशनशिप। व्हेन रामा फर्स्ट मीट सावित्री, जब वो रामा सावित्री से मिलता है, हिज फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ हर इज नॉट ग्रेट। जब वो शुरुआत में सावित्री से मिलता है तो उसका इम्प्रेशन बहुत अच्छा नहीं होता है सावित्री के बारे में। ही बिलीव्स शी इज टू मच ऑफ मॉडर्न वुमेन, वो सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, मॉडर्न वुमेन है। ऑल दो ही डज नॉट थिंक टू हाईली ऑफ हर एट फर्स्ट, ही फाइंड्स दैट ही कैन नॉट गेट हर आउट ऑफ हिज माइंड। यहाँ पे जो सावित्री है वो कहीं ना कहीं रामा स्वामी के माइंड में होती है, उसके दिमाग में बैठ जाती है, उसकी जो एक तरह से हम कहें छवि या उसकी जो पर्सनैलिटी है, ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर। बट कहीं ना कहीं उसके एक नेगेटिव एक ये भी रहता है दिमाग में कि शी इज टू मच ऑफ अ मॉडर्न वुमेन। दिस फर्दर सर्व्स टू कंफ्यूज रामा एंड कॉम्प्लिकेट्स दिस सिचुएशन बिटवीन हिम एंड मेडलिन। और क्योंकि यहाँ पे थर्ड की एंट्री हो चुकी है रामा स्वामी और मेडलिन के बीच में, तो कहीं ना कहीं मैटर जो है वो क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। रामा रिटर्न्स टू फ्रांस एंड टू हिज वाइफ दो ही फील्स मोर डिस्टेंट फ्रॉम हर देन एवर। यहाँ पे क्या है, रामा रिटर्न्स टू फ्रांस, वो वापस चला गया है फ्रांस में ओके अपनी वाइफ के साथ में। और यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वो अपनी वाइफ से डिस्टेंट फील करना शुरू कर देता है। एट देयर फर्स्ट डिनर टुगेदर आफ्टर हिज रिटर्न मैडलिन सेंसिंग द चेंज इन हर हस्बैंड आस्क्ड हिम इफ शी हैज़ फेल्ड हिज गॉड्स समहाउ। अब यहाँ पर क्या होता है कि मैडलिन ये बात सेंस कर लेती है कि अब उनकी जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है, उनमें डिस्टेंस फील होना शुरू हो जाता है। तो वो उससे पूछती है कि क्या
कुछ वो रीजन है इस चीज के लिए, उसको नाराज करने के लिए. ही रिस्पॉन्ड्स बाय सेइंग दैट शी हैज नॉट फेल्ड हिज गॉड्स बट शी हैज फेल्ड हिम. अब वो उसे बताती है कि कहीं ना कहीं उसने मीन्स वो उसे सर्व नहीं कर पा रही है, उसका मोटिव सर्व नहीं हो पा रहा है. रामा थिंक्स ऑफ द टू रिंग्स इन हिज बैग. अब यहाँ पे क्या है जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि रामा स्वामी को उसकी मदर ने, लिटिल मदर ने क्या किया है, एक टू रिंग दे रखी है इन हिज बैग एंड वो गिवन टू हिम बाय लिटिल मदर टू बेस्ट ऑफ ऑन मेडलिन. वो रामा स्वामी की जो मदर है, लिटिल मदर मीन्स उसके स्टेप मदर, वो उसे टू रिंग देता है, देती है मेडलिन को देने के लिए. बट ही कैन नॉट ब्रिंग हिम सेल्फ टू गिव हर द गिफ्ट फीलिंग दैट थिंग्स आर जस्ट टू फार गॉन. अब वो उसे या टूरिंग नहीं दे पाता है. रामा एंड मेडलिन स्ट्रगल टू मेंटेन एन एयर ऑफ नॉर्मलसी. अब यहाँ पे क्या होता है, दोनों के दोनों नॉर्मलसी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, इवन टेम्परली रिग्नाइटिंग द इंटीमेसी इन देयर मैरिज बट इट इज शॉर्ट लिव्ड. वो दोनों के दोनों अपनी इंटीमेसी को फिर रिग्नाइट करने की कोशिश करते हैं, उसे फिर से ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी वो क्या है, शॉर्ट लिव्ड होता है. सावित्री ऑलवेज इन रामास थॉट कम्स बैक इनटू हिज लाइफ व्हेन शी विजिट्स हिम एंड मेडलिन इन फ्रांस. तो सावित्री जो तीसरी की एंट्री हो गई थी, वो हमेशा रामा स्वामी के थॉट में रहती है जब भी वो मेडलिन को विजिट करता है फ्रांस में. रामा देन अकंपनीज हर टू इंग्लैंड इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द रिसर्च फॉर हिज थीसिस. और रामा जो है वो जाता है, इंग्लैंड जाता है और अपनी रिसर्च, अपनी थीसिस की रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए. द मोर टाइम दे स्पेंड टुगेदर, यस, जब वो इंग्लैंड जा रहे हैं तो वहाँ पे उसे कंपनी कौन करता है, सावित्री. अब क्या होता है कि वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हैं साथ में. द मोर टाइम दे स्पेंड टुगेदर द मोर रामा बिकम्स अवेयर ऑफ हिज डीप लव फॉर हर. और रामा स्वामी जो है वो उसे महसूस होता है कि वह उसे प्यार करता है. ही रिकग्नाइजेज दैट हिज फीलिंग फॉर सावित्री फार सरपास हिज लव फॉर हिज ओन वाइफ. और उसे ये पता चलता है कि उसका जो फीलिंग्स है सावित्री के लिए वो क्या है, हिज मीन्स उसकी वाइफ से ज़्यादा इंटेंसिटी है उसकी. सो रामा हैज़ अ हार्ड टाइम कमिंग टू टर्म विद हिज फीलिंग्स फॉर सावित्री स्पेशली कंसिडरिंग दैट ही इज़ मैरिड टू समवन एल्स. और यहाँ पे क्या है कि उसके दिमाग में ये बात भी है कि वो, उसके दिमाग में ये प्रॉब्लम चल रही है कि वो सोच भी रहा है कि उसकी ऑलरेडी मैरिड, वो एक मैरिड पर्सन है. एट द सेम टाइम ही फील्स दैट हिज लव फॉर सावित्री इज ब्रिंगिंग हिम क्लोजर टू अंडरस्टैंडिंग हिज ओन ट्रूथ एंड फॉलोइंग अ पाथ ऑफ इंटीग्रिटी. और जब वो सावित्री के क्लोज आता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसे खुद की ट्रुथ के बारे में और इंटीग्रिटी के बारे में पता चलता है. सो इसी वजह से वो फैसिनेटेड भी है सावित्री के प्रति. इन अ क्लाइमेक्टिक सिम्बॉलिक जेस्चर रामा गिव्स द टू रिंग फ्रॉम लिटिल मदर टू सावित्री. और उसने क्या किया, जो वो अगर हम बोले क्लाइमेक्टिक सिम्बॉलिक जेस्चर के तौर पे, रामा स्वामी जो है टू रिंग किसके लिए दी हुई थी, मेडलिन के लिए, बट उसने किसको दे दी है, सावित्री को. कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट मैरिज रिचुअल इन इंडिया. जैसा कि बहुत ज़्यादा पार्ट में इंडिया के आप लोगों को भी पता होगा कि जो टोरिंग होती हैं उन्हें क्या किया जाता है, बहुत एक तरह से पवित्र भी माना जाता है. तो ये एक तरह मैरिज रिचुअल है इंडिया में. दिस बेयर्स ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन रामा एंड सावित्री. और वो मैरिड है बट उसे जो रिलेशनशिप है अपनी रामा स्वामी और सावित्री की, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है अपनी मैरिज से, इसलिए वो टोरिंग्स क्या करता है, सावित्री को दे देता है. रामा गोज बैक टू फ्रांस. रामा जो है वो कहाँ चला जाता है, रामा स्वामी फिर से फ्रांस जाता है, वेयर मेडलिन इज प्रेग्नेंट. मेडलिन अब क्या है, प्रेग्नेंट है. ही वंस अगेन लीव्स हर फॉर इंडिया एंड हिज सिस्टर्स वेडिंग. तो वो क्या करता है, अपने सिस्टर की वेडिंग के लिए इंडिया आ जाता है. रामा नीड्स टू मेक एन इमरजेंसी विजिट टू बैंगलोर फॉर हेल्थ reasons and while he is there he learns that Madeline gave birth prematurely to a second son who died. और जो उनका second son है वो भी क्या है, ये tragedy उनको फिर से face करनी पड़ती है. Premature child होता है और उसकी death हो जाती है. Soon afterward he learns that Savitri has gotten married. उसे पता चलता है थोड़े दिनों बाद कि सावित्री की भी शादी हो चुकी है.
and he returns to France to be with Madeleine, who has become deeply ingrained in her own Buddhist practice, withdrawing further from Rama. और यहाँ पे क्या होता है कि जो मेडलिन है वो भी क्या है, एक तो दो दो चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं, जो सावित्री है उसकी मैरिज हो गई है, मेडलिन जो है वो बुद्धिस्ट प्रैक्टिस के लिए क्या हो गई है, इनग्रेन हो गई है, उसमें इन्वॉल्व हो गई है. नाउ रामा गोज़ टू लंदन फॉर लंग सर्जरी वेयर ही रिसीव्स अ विजिट फ्रॉम सावित्री. रामा जब लंदन में होता है रामा स्वामी, तो वहाँ पर सावित्री क्या करती है, उसको विजिट करती है. दे एक्सेप्ट दैट दे मस्ट पार्ट वेज एंड दैट फेट हैज़ लेड देम इन सेपरेट डायरेक्शन. अब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज़ को कि उनको अपने जो रास्ते हैं वो क्या कर लेने हैं, चेंज कर लेने हैं. दे एक्नॉलेज दैट लव इज़ अबाउट रिजॉयसिंग इन वन अनदर्स हैप्पीनेस. और वो एक्नॉलेज करते हैं कि प्यार क्या है, एक दूसरे की खुशी में खुशी ढूंढने का मतलब है, या उसका नाम ही क्या है, लव है. Rama divorces Madeleine after the distance between them grows too big to ignore. यहाँ पे रामा स्वामी जो है लास्ट में उसका मेडलिन के साथ में क्या हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है. He realizes that the answer he has been seeking lies in the journey to seek out his guru, that all the trials and tribulations of his life have led him to realization. यहाँ पे उसे लगता है कि उसे क्या कर लेना चाहिए, एक गुरु की जरूरत है, एंड ही मस्ट सीक फॉर अ गुरु. और फिर उसे क्या होगा, अपना सेल्फ रियलाइजेशन हो पाएगा. तो यहाँ पर यह स्टोरी ख़त्म हो जाती है. तो आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमारे पास में रामा स्वामी, सावित्री और मेडलिन, तीन जो हैं, रामा स्वामी एंड सावित्री एंड मेडलिन, ये शॉर्ट में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा. और साथ में कैरेक्टर्स, जब हम कैरेक्टर्स लिखें तो आप लोगों कैरेक्टर्स अपने पर्टिकुलर एक पेज में लिख लीजिए और शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए, जिससे कि आप स्टोरी को इस तरह से याद रख सकते हैं कि मेडलिन उसकी क्या है, रामास्वामी की वाइफ है, बट यहाँ पे एंट्री होती है सावित्री की, एंड ही लव्स नाउ सावित्री. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो क्या थी, आपकी टोरिंग. ओके, तो टोरिंग किसको मिली थी, ये आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ. अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको बताना है कि टोरिंग किसको मिली थी, सावित्री को या मेडलिन को. और टोरिंग उसकी मदर देती है देने के लिए, ऑलराइट, गिफ्ट करने के लिए. तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं आप लोगों को याद रखने हैं. तो मिलते हैं अगले वर्क में. आप लोग लिख सकते हैं कौन सा वर्क आप समरी चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसी समरी को हम लोग डिस्कस करेंगे. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.